दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पिछले कुछ वक्त से लगातार नितिन गडकरी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि ये बता रही है कि अब उनका दबाव लगातार दिल्ली के उस मेन पावर सर्कल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आसपास के जो भी मंत्री हैं और उन पर बनता जा रहा है। और ये बन क्यों रहा है और ये कौन सी रणनीति है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अब हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद और फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले और हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद क्या किस तरह से ये राजनीतिक समीकरण बनने वाले। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि नितिन गडकरी ने क्या कहा है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्सर भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें होती हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है। अगर हम ये सब हकीकत में लाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद में बदलाव करना होगा। कुल मिलाकर के ये इशारा किसके ऊपर है, ये आप और हम सभी अच्छे से समझ सकते हैं कि विश्व गुरु बनना कौन चाहता था, बदलाव लाने की बात माफ कीजिएगा कौन कर रहा था। कुल मिलाकर यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के बीच की भी जो दूरियां हैं वो बार बार नितिन गडकरी के स्टेटमेंट से दिख रही है। कभी वो खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल सही दावेदार कहते हैं और कहते कि अगर मैं ये डिजर्व करता हूं तो ये मुझे मिलेगा जरूर। इस तरह के तमाम तरह के अलग अलग स्टेटमेंट हर हफ्ते अब आने लगी हैं। आइए बात करते हैं आनंद सर से और राजीव जी से और इस बात को समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरा समीकरण, मतलब नितिन गडकरी सिर्फ ऐसे ही यूं ही तो ये बातें नहीं बोल सकते हैं। आनंद सर, ये एक कोई तो रणनीति, क्योंकि इतने समय से लगातार वो मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, आरएसएस के भी लाडले हैं। हाँ, अगर किसी के नहीं है तो वो मोदी ग्रुप के नहीं है और पिछले कुछ वक्त से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनकी तरफ सीधे सीधे मिसाइल की तरह गिर रही है। सर विनीता जी, मैं सिर्फ कम समय रहते हुए मैं यही कहूंगा कि देखिए, आरएसएस जो एक उसकी जो विचारधारा है और भारतीय जनसंघ या बीजेपी जो बन गई है, इनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज हम कुछ समय से देख सकते हैं, एकदम क्लियर हो गई ये बात, ये पिछले दो साल से, ढाई साल से और तेजी से ये बात और शार्पली हमें दिखाई पड़ती है कि जो आरएसएस की लीडरशिप है उसको हमारे प्रधानमंत्री, जो सारे सत्ता को अपने मुट्ठी में पकड़े हुए हैं, एक छोटे से गुट के दम पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो आरएसएस को वो दर्जा देना नहीं चाह रहे हैं, आरएसएस के ऊपर वो हावी होना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आरएसएस वैसे चले जैसे वो चाहते हैं। तो इस बात को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है कुछ समय से, डेढ़ दो साल से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और दिन प्रतिदिन ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अब रही बात गडकरी जी की, आरएसएस के तो गडकरी भी हैं और मोदी भी हैं और अमित शाह जी भी, ये सबके सब हैं, उसी स्कूल के पाठशाला से होकर निकले हैं, गुजरे हैं सभी। लेकिन मोदी में एक महत्वाकांक्षा और आ गई और जो आरएसएस संगठन के बाहर जो भी है, धन है, वो सारी चीजें, मटेरियल बेनिफिट्स हैं और उस तरह की एस्पिरेशन है, वो सब मोदी को घेर चुकी हैं और मोदी जो है सत्ता के उपासक बन गए हैं, सत्ता लोलुप हो चुके हैं ये। और इनके जो सबसे घोर बड़े समर्थक और बिल्कुल इनके साथी, इस पूरे भारत को कैसे चलाओ अपनी मर्जी से और सबसे बड़े कैपिटलिस्ट के दम पे, ये इनके और जो हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भारत के, ये दोनों की पक्की सांठगांठ, वो जो है एकदम से पूरे सिस्टम के ऊपर हावी होना चाह रहे हैं एज ए टोटलिटेरियन प्रोजेक्ट, कि हमारे समाज का, हमारे राजतंत्र का, हमारे शासन तंत्र का कोई भी पहलू ना हो जिस पर उनका टोटल कंट्रोल ना हो। इसके लिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग नीति, अलग अलग स्लोगन, अलग अलग बातें करते रहते हैं। अब इनकी परेशानी बढ़ गई है, नितिन गडकरी पर मैं एक सेकंड के बाद आऊंगा, जब से ये पाया गया है कि एक शख्स था जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसकी खिल्ली रोज उड़ाते थे ये, उस पर इन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे
लाखों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, अब उसने दिखला दिया कि जनता के बीच उसकी पहचान है, इनकी पहचान काफी कम धूमिल हो गई। तो उसके बाद से इनकी परेशानी जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे आरएसएस के लोगों ने भी, आरएसएस की जो लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, उन्होंने भी मोदी जी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने भी सारी कोशिश की, समझा के प्यार से, लेकिन ये प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, ये पावर और ऑपरेशन की भाषा जानते हैं। तो उस भाषा को बोलने के लिए अब एक इनको एक पब्लिक फेस भी चाहिए। नितिन गडकरी जो हैं, ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं बीजेपी के भी और हमारे देश के भी और महाराष्ट्र के भी और आरएसएस के भी। ये बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा पोस्ट होता है, ऊंचा ओहदा होता है। ये बहुत सक्सेसफुल मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, ये महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर थे, वेरी सक्सेसफुल। और इनकी जो छवि है, जो इनका होम ग्राउंड है नागपुर, वहां और उसके बाहर एक एफिशिएंट और साफ सुथरे मंत्री की है, जो रोज जो है वो लड़ाई झगड़ा द्वेष फैलाना वो भाषा नहीं बोलता है। उस वो जो है वो सेंटिमेंट हिंदुत्व और वो सब है उसके अंदर भी, उससे आप मना नहीं कर सकते, लेकिन आपस में लड़वा दो, आपस में सिर फुटवा दो, आपस में राइट्स करवा दो, ये भाषा वो नहीं बोलते हैं। तो आरएसएस जो है वो ऐसे ही किसी इंसान को सामने रखना चाहती है। आपको याद होगा, अभी ये बात हो गई, कोई 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हो गई, महाराष्ट्र के एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में दिल्ली के उनके जो संवाददाता हैं उनकी भेजी एक खबर छपी थी कि गडकरी मोदी से कह रहे हैं कि आप जो भाजपा की पार्लियामेंट्री पार्टी है दिल्ली में, मैंने जितने एमपीज थे उस समय उनको बिठा के आप ले रहे हैं, कितने एमपीज किसके साथ हैं, हड़कंप मच गया था। बात जी सर, जो पार्लियामेंट्री कमेटी से इन्हें बाहर किया गया था तब। नहीं पे उस पे वो सब ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज किया कि अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट गडकरी जी ने मोदी से कहा कि हमारे पार्टी के जितने एमपीज हैं लोकसभा में आप उनकी रोल कॉल ले लीजिए, कितने एमपी किसके साथ हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एकदम ये घबराहट में आ गए और फिर प्रेशर डाला गया और उस अखबार ने, उस मराठी पत्र ने अपनी न्यूज रिपोर्ट को खारिज कर दी, वापस कर दी। लेकिन गडकरी जी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा दावा नहीं था, कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। वो जो संवाददाता था उसको नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, ठीक है, ये सिचुएशन इतनी सीरियस थी। यानी मोदी रिगार्ड्स दिस मैन एज ए थ्रेट, सीएजी जो है सीएजी का दुरुपयोग करके उन्होंने गडकरी की मिनिस्ट्री के अंदर कई संशय प्रश्न चिन्ह लगवाए कि ये खर्चा हो गया, ये दिखाने के लिए कि गडकरी ने पैसे खा लिए। यही सब छोटी बुद्धि वाले खेल जो होते हैं यही सब चलते रहेंगे। अब जो है ये बुरी तरह से कठिनाई में फंस चुके हैं और आज जो कम्युनल भाषा जो है उसको बोलने के अलावे और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो 10 साल का इन्होंने अपना अकाउंट नहीं दिया है कि हमने क्या पाया, क्या उपलब्धि हमारे देश की है और बेरी है, तो वो सब नहीं कर पाने के कारण यही सब हो रहा है। और आपको लगता है कि आरएसएस की जो लीडरशिप है, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत परेशानियां डालने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, ठीक है, अब उसका वो भी हाल अकाउंट ले रहे हैं धीरे धीरे करके, वही यही प्रोसेस चल रहा है अभी। और किस तरह से अब चुनाव आ जाएंगे महाराष्ट्र के बाद में, कल हरियाणा और इसके, उसमें क्या रिजल्ट रहेगा, जो जो चुनाव में इनका इनका ग्राफ नीचे गिरेगा मोदी जी का, उनकी पार्टी का, आज भाजपा जो है भाजपा पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह की पार्टी बनी हुई है, 2-4 इंडिविजुअल्स की पार्टी है, और वो जो चाहे करते हैं, जिसको चाहते हैं रोंदना चाहते हैं, अपने जो इनके जो
डिसिडेंट्स हैं या जो अपोजिशन पार्टीज हैं राहुल गांधी, उनकी तो उनके लिए तो ये उनके ऊपर परेशानी है और हर हर तरह से उनको अटैक करने का रास्ता अपनाओ। यूपी में अखिलेश यादव जी और ये बिहार में लालू और उनके सुपुत्र, ये लोग जो हैं इनके निशाने पर हमेशा रहते हैं। अब जो है इनके निशाने पर गडकरी भी हैं और आरएसएस भी है। आरएसएस की लीडरशिप वो चाहते हैं उस पर कब्जा करें, आरएसएस वो भाषा बोले जो ये चाहते हैं, टेक्निकल डे टू डे जीवन। जी सर, राजीव जी अब ये पूरी चर्चा आपके सामने है कि किस तरह से नितिन गडकरी बार बार एक तरह से, जैसे सर ने कहा भी कि वो थ्रेट है मोदी के लिए, तो इस थ्रेट को ही बार बार याद दिला रहे हैं क्या? वो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अब मोदी और क्योंकि वो 2 साल में मैक्सिमम 75 के हो जाएंगे, तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि उनको जाना ही होगा। देखिए केजरीवाल का कहना अलग चीज है, बीजेपी के अंदर अब वो जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है, अगर आप नितिन गडकरी के इन स्टेटमेंट्स को ले लीजिए और बाकी लोग भी, काफी लोग अगर आप इंडिविजुअली जाके बात करें तो बहुत कुछ आपको सुनने में मिल जाता है। परफॉर्मेंस को लेके डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये मोदी रेजिम की, जो दो टर्म्स जो गई हैं, तीसरी शुरू हुई है। बात यह है कि एक चीज जो साहिब साहब ने भी की कि देखिए चाहे गडकरी आए चाहे कोई और आए या कोई लीडर हो, है उसी स्कूल से, एजेंडा वही है, उसको आप वो नहीं कर सकते। हाँ, ये जो एक आरएसएस की एक कोशिश है कि देखिए फाउंटेन हेड या कह लीजिए इस पूरी हिंदुत्व का जो जो हम कहते हैं संघ परिवार का फाउंटेन हेड आरएसएस है, बीजेपी उसकी उसमें से निकली हुई पार्टी है, तो बीजेपी आरएसएस को डोमिनेट करे ये आरएसएस को पसंद कभी नहीं आएगा उसके लिए। और आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, उनका एक काम करने का तरीका है, उनका एक मतलब पूरे तरीका एक अलग रहा है। एक चीज हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि आरएसएस का भले ही कुछ एजेंडा रहा हो, कुछ भी रहा हो, कम से कम भाषा में वो शालीनता हमेशा नजर आई हमको, जो कि पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं गायब होती साफ तौर पर नजर आई। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं विनीता देख रहा हूं, पिछले 2-1 दिन से नितिन गडकरी की जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, वो एक अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ट्रोल पर ट्रोलिंग हो रही है, वैसे ट्रोलिंग हो रही है। देखिए डेफिनेटली गडकरी अगर जो उनका अपने बयान दिखाया कि शुरुआत खुद से करनी होगी, तो डेफिनेटली उनको भी अपने मंत्रालय का एक हिसाब तो देना पड़ेगा। हाईवेज की हालत बड़ी खराब है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हाँ जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव में उस चीज को देख रहे हैं तो डेफिनेटली विश्वगुरु का तो नारा ही है ना, हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं हमारे यहाँ पर। चाहे हम देखते हैं उनमें दलितों की स्थिति देखते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न देखते हैं, रेप्स देखते हैं, किलिंग्स देखते हैं, लिंचिंग्स देखते हैं, तो ये किसी विश्वगुरु की तो डेफिनेटली कहीं से भी कहीं परिभाषा ऐसे तो नजर आती नहीं है। और आरएसएस डेफिनेटली जो कि हम जानते हैं ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं मैं उसको दिखाना भी चाह रही हूँ साथ में, क्योंकि ये बहुत लगातार ट्रोलिंग इस वक्त इन दिनों चल रही है, ये ट्रोलिंग चल रही है। और मतलब डेफिनेटली एक तरीका है, हम लोगों ने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी हमने, दो जो टर्म्स उनकी रही, 2-3 टर्म्स, 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल की टर्म, वो भी हमने देखी। कम से कम एक शालीनता थी, एक बात करने का तरीका था, और कभी ऐसे भाषण नहीं होते थे जिस तरीके के पिछले 10 साल में हमने सुने। हर चीज पे आप कम्युनल एंगल लेके आई है, कभी आप कुछ मतलब दूसरे को लंपून करना, देखिए विरोधियों का तर्क वितर्क मतलब तर्क देना और उसपे मतलब आपने काउंटर करना, वो एक अलग चीज होती है, पर विरोधियों को कभी आप लंपून नहीं करते, वैसे मजाक नहीं उड़ाते, और फिर कभी भी वो पॉलिटिकल एरोगेंस नहीं दिखती थी पहले, जो अब देखने में मिल रही है कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है मैं प्याज नहीं खाती, जवाब देने से हट जाती है, किसी पत्रकार कोई सवाल पूछ लेता है तो उसको वहां या तो वहां से उठा के बाहर किया जाता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या जवाब नहीं दिया जाता। तो ये तमाम चीजें जो है, देखिए डेमोक्रेसी का एक सिस्टम, एक कल्चर था इंडिया में, और उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, विद इन अ पार्टी भी लीडरशिप चेंज होती रहेगी, पर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस देश का रहना सबसे जरूरी चीज वो है। जी, यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त नितिन गडकरी एक बड़ी थ्रेट के तौर पर तो है, सर ने बिल्कुल ठीक कहा, लगातार बने हुए हैं और वो अपने इस दम को कम भी नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार आरएसएस को और बीजेपी के भी तमाम नेताओं को, इंक्लूडिंग
मोदी ये बता रही है कि नितिन गडकरी है यहाँ पर, तो नितिन गडकरी अपनी इस बात को तो इंटेक्ट किया, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त अगर इस सिचुएशन में मोदी को कोई डरा पा रहा है या थ्रेट बड़ी बन रहा है और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति अपने आप में ही बहुत काफी है समझने के लिए कि इस वक्त किस तरह से ग्राफ लगातार गिर रहा है। जो कि आज दिल्ली में काफी कुछ मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि बीजेपी से अब लोग नहीं डरते हैं, उनका ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।